जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लास में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे आपका UPSI स्पेशल यानी कि गब्बर जी की क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो गब्बर है वो आपका अक्षय कुमार वाला गब्बर है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अक्षय कुमार वाला गब्बर था और हम किसके खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि हमें ये वाली जो पोस्ट है SI ये लेनी ही लेनी है। गवर्नमेंट चाहे कितना भी या UPPR भी आपका कितना भी तगड़ा क्वेश्चन पेपर क्यों ना बनाए, ठीक है। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जानेंगे कि भारत के अंदर जो दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, वो किस किस राज्यों में पाए जाते हैं और कौन कौन से नाम से पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रमुख दर्रे हैं तो दर्रा किसे कहते हैं, ठीक है। दर्रा किसे कहते हैं, तो उन पहाड़ियों के बीच में स्थान, ठीक है, या उन पर्वतों के बीच का स्थान जो कि प्राकृतिक रूप से खुला हुआ है या प्राकृतिक रूप से दो पहाड़ों के बीच में खाली स्थान है, जिस स्थान से आवागमन या परिवहन किया जा सके उसे दर्रा कहते हैं, ठीक है। यानी पहाड़ों के बीच में वो खाली जगह जिस जगह से परिवहन का आवागमन हो सके उसे दर्रा कहा जाता है, या प्राकृतिक वह प्राकृतिक मार्ग जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सके उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा दर्रा किसे कहा जाता है, ठीक है। आप जानते हैं भारत में दर्रे किस किस प्रकार से बांटे जाते हैं, तो भारत में जो दर्रे हैं आपके वो दो प्रकार से बांटे जाते हैं, ठीक है, दो प्रकार से बांटे जाते हैं। पहले पहले के पहला जो है आपका वो किस प्रकार से बना था, पहला जो आपका है वो है हिमालय के, हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे, ठीक है। ठीक है, हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे, ये आपका पहला है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप राज्यों में पाए जाने वाले, प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे, ठीक है, प्रायद्वीप भारत राज्यों के अंतर्गत पाए जाने वाले दर्रे, और पहला आपका हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले, यानी कि जो हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि जिन राज्यों में हिमालय पर्वत पाए जाते हैं उनमें जो दर्रे आते हैं वो, और जो प्रायद्वीपी भारत में है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत में जो आपके दर्रे हैं वो, ठीक है। तो दर्रों को दो प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हिमालय राज्य में कौन कौन से दर्रे आते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हिमालय, हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे, ठीक है, हिमालय के पर्वतीय राज्य में पाए जाने वाले दर्रे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपकी कुछ राज्य आते हैं, वो आपके राज्य कौन से हैं, तो पहला है आपका हिमालय से ही हिमाचल प्रदेश, यह आपका पूरा का पूरा पर्वतीय इलाका है, ठीक है। उसके बाद में है आपका जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश जो आपका राज्य है, ठीक है। अब इसके बाद में पाया जाता है आपका उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में आपका मणिपुर, ठीक है। ये आपका पाया था हिमालय के पर्वतीय राज्य में, तो आपके हो गए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड,
और एक आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और तो इनमें हम हिमाचल से जम्मू कश्मीर की तरफ शुरू करते हुए अंत में जाएंगे मणिपुर, उसके बाद में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे पाए जाते हैं उसके बारे में, और ये आपका मैंने आपको बताया है कि आपके क्या है हिमालय के पर्वतीय राज्य में पाए जाने वाले। तो सबसे पहले जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, या शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। तो इसमें पहला, सबसे पहला जो दर्रा पाया जाता है, या कहें आप काराकोरम दर्रा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहला दर्रा पाया जाता है वो आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा क्या है, यह आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम जो दर्रा है ये आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5,654 मीटर, 5,654 मीटर, यानी कि 5,654 मीटर। तो जो भी ये हम ऊंचाई बताएंगे, ठीक है, जो भी ये ऊंचाई बताएंगे आपको सारी बताएंगे समुद्र तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बताई जाएगी। तो काराकोरम दर्रा है यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, और इसकी कुल ऊंचाई मीटर में 5,654 मीटर है, ठीक है। तो यह किसके अंतर्गत आ रहा है, तो यह आपका काराकोरम, काराकोरम दर्रा है, और यह आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। और ये क्या है, ये पीओके, ठीक है, पाक ओकुपाइड कश्मीर है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है। उससे ये किसे जोड़ता है, उसे ये चीन से जोड़ता है, पीओके को ये चीन से जोड़ता है, ठीक है। ये पीओके चीन से जुड़ता है, और यह आता है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में, और यह भारत का सबसे अधिक ऊंचा दर्रा है, और इसकी कुल ऊंचाई है 5,654 मीटर, ठीक है। अब काराकोरम के बाद में बात करते हैं आपका जोजिला, जोजिला दर्रा की, ठीक है। ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं जोजिला दर्रा की, ठीक है। तो जोजिला दर्रा की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3,528 मीटर, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3,528 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई समुद्र से 3,528 मीटर, और ये कश्मीर घाटी को, ये कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, ये आपका कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा आपका कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। और अब आगे बात करते हैं कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये आपका जास्कर, ये आपका जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। जोजिला दर्रा की बात करते हैं, तो जोजिला दर्रा आपका 3,528 मीटर ऊंचा है, और ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, और ये आपका जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपके दो दर्रे हमने पढ़ लिए। आप इसके बाद में पढ़ेंगे तीसरा दर्रा जम्मू कश्मीर में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पेन और पेपर लेकर के नोट करते रहें, ताकि कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रश्न पूछा जाता है तो उसे आप बहुत ही आसानी से हल कर सकें, ठीक है। आप बात करते हैं अगले दर्रे की, वो है आपका तीसरा दर्रा जम्मू कश्मीर में, और उसका आपका नाम है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है।
अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, ये आपका है 3490 मीटर, ठीक है 3490 मीटर ऊंचा है। और ये आपका पीर पंजाल, जैसे कि इसके नाम से ही पता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी में आता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। तो इसकी कुल ऊंचाई है 3490 मीटर और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। और ये किसको जोड़ता है, ये आपका जम्मू कश्मीर के पुलगांव को, जम्मू कश्मीर के पुलगांव को कोठी से जोड़ने का रास्ता प्रदान करता है, जम्मू कश्मीर के पुलगांव को जम्मू कश्मीर के कोठी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं चौथे दर्रे की, तो ये है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो जो आपका चौथा दर्रा है ये है आपका बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो बात करें ऊंचाई की, तो उसकी कुल ऊंचाई है 2832 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 2832 मीटर। और ये भी आपका किधर आता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, बनिहाल दर्रा भी आपका आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। अब बात करते हैं ये किन दो शहरों को या राज्यों को जोड़ता है, तो ये आपका बनिहाल दर्रा जो है ये आपको किससे जोड़ता है, ये आपका जम्मू, ये आपका जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये आपका जम्मू और श्रीनगर के बीच में स्थित है, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर के बीच में। तो जैसे आपको पता होगा कि एक जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जवाहर सुरंग, ठीक है, जवाहर सुरंग जो है वो आपका बनिहाल दर्रे के अंदर ही बनी है, ठीक है, बनिहाल दर्रे के अंदर ही आपकी जवाहर सुरंग बनी हुई है, ठीक है। और जो आपका जवाहर सुरंग है ये किस नाम से जानी जाती है, ये आपका जानी जाती है NH1A के नाम से, ठीक है, NH1A के नाम से जानी जाती है। और ये जम्मू का, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, ठीक है, जवाहर सुरंग NH1A के नाम से जानी जाती है और ये बनिहाल दर्रे में बनी है जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये हमने देखे जम्मू कश्मीर, ठीक है। अभी एक दर्रे की और बात करते हैं, ये आपका है बुर्जिला दर्रा, ठीक है, बुर्जिला दर्रा जो कि आपका पांचवा दर्रा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पांचवा दर्रा है ये, क्या है आपका बुर्जिला दर्रा, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपका है 4100 मीटर, यानी 4100 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 4100 मीटर। तो ये जो पांच दर्रे थे प्रमुख दर्रे, ये जम्मू कश्मीर के अंदर थे जो कि हमने पढ़े। अब बात करते हैं भारत के राज्य, जो कि जम्मू कश्मीर भारत में अब केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब भारत के पर्वतीय श्रेणी में या हिमालय की पर्वतीय श्रेणी में पाए जाने वाले दर्रों में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अब हम हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले सभी दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो पहला दर्रा है वो है आपका रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब रोहतांग दर्रा के अंदर पढ़ेंगे रोहतांग दर्रा क्या है, ठीक है। तो ये कहां पाया था, ये हिमाचल की पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है दोस्तों, ये हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर की, ठीक है। क्योंकि आपका जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये आपका जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, तो ये आपका पाया था जो रोहतांग दर्रा, ये पाया था आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई है 4620 मीटर, 4620 मीटर आपकी रोहतांग दर्रे की कुल ऊंचाई है, ठीक है। और ये आपका मनाली को, ये आपका मनाली को लेह से जोड़ता है, लेह लद्दाख, ठीक है।
ये आपका मनाली को लेह से जोड़ता है। तो जो रोहतांग दर्रा है आपका वो हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ये आपका किस में आता है, हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में आता है। इसकी कुल ऊंचाई है 4,620 मीटर और ये आपका मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, आप ये पहला दर्रे की बात की हमने हिमाचल प्रदेश में, अब बात करते हैं दूसरे दर्रे की। ठीक है, तो दूसरा दर्रा है आपका शिप कीला दर्रा। ठीक है, शिप कीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो आपका दूसरा दर्रा है वो कौन सा आपका शिप कीला दर्रा। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी कुल ऊंचाई की। ठीक है, तो जब शिप कीला दर्रा की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपकी है 4,300 मीटर ऊंचा, ये दर्रा है आपका 4,300 मीटर ऊंचा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी आपकी 4,300 मीटर और ये आपका शिमला को, ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, सिक्किला दर्रा 4,300 मीटर ऊंचा है, ये आपका शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका सतलुज नदी। ठीक है, ये सतलुज नदी के पास स्थित है, या सतलुज नदी भारत में सिक्किला दर्रा के पास से ही प्रवेश करती है। ठीक है, तो सतलुज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा के पास से ही प्रवेश करती है। ठीक है, जो सतलुज नदी है आपकी वो हिमाचल प्रदेश में, भारत के अंदर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और कहां से करती है, सिपकिला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के अंदर सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, और भारत में हिमाचल प्रदेश के राज्य में सबसे पहले सतलुज नदी प्रवेश करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण दर्रों की। ठीक है, तो अब है आपका बारा लाचा दर्रा, अब है आपका तीसरा बारा लाचा दर्रा। तो ये भी कहां पाया जाता है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो इसकी कुल ऊंचाई है 4,843 मीटर। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 4,843 मीटर। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है जिसकी कुल ऊंचाई है 4,843 मीटर और ये आपका जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। ये आपका किसमें आता है, ये आपका था जास्कर पर्वत श्रेणी में, और ये हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर को लेह यानी कि लद्दाख से जोड़ता है, जो कि लद्दाख का आप बात करें जिला है, लेह उसे जोड़ता है आपका मंडी शहर से। ठीक है, तो ये हमने बात की तीन प्रमुख दर्रे हिमाचल प्रदेश के जो कि हिमालय की पर्वतीय श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड खंड की, वो भी आपका हिमालय की पर्वतीय श्रेणियों में आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपका उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में आपका प्रमुख दर्रा है वो है आपका लिप लेख दर्रा। ठीक है, लिप लेख दर्रा जो आपका वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई है आपकी 5,334 मीटर। ठीक है, लिपलेख दर्रे की कुल ऊंचाई है 5,334 मीटर और ये जो ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं ये कहां से कर रहे हैं, समुद्र तल से कुल ऊंचाई। ठीक है, तो लिपलेख दर्रे की ऊंचाई है 5,334 किलोमीटर और ये आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तिब्बत के तालकोट, ठीक है, तिब्बत के तालकोट से जोड़ता है। ठीक है, जो आपका लिपलेख दर्रा है ये 5,334 किलोमीटर लंबा है, 5,334 मीटर लंबा है और पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत के तालकोट से जोड़ता है और पिथौरागढ़ जिले में ही ये आपका दर्रा शुरू होता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले
जिले से ही आपका दर्रा शुरू होता है। और ये दर्रा लिपलेख दर्रा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। क्यों? क्योंकि जो आपके कैलाश पर्वत पर जाने वाले जो आपके भक्तिगण होते हैं वो इसी दर्रे से होकर के गुजरते हैं। यानी कि जो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है वो इसी दर्रे से जाती है। जिसलिए ये जो आपका लिपलेख दर्रा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए इस दर्रे का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में आपका है माणा या माणा दर्रा। ठीक है, माणा या माणा दर्रा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी ऊंचाई की। तो इसकी ऊंचाई है आपकी 5,545 मीटर। ठीक है, 5,545 मीटर। और ये उत्तराखंड के अंतिम गांव, उत्तराखंड का जो अंतिम गांव है या आखिरी गांव है आपका माणा वहां स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतिम गांव में ये स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 5,545 मीटर। ठीक है, और ये जो आपका उत्तराखंड का अंतिम गांव है माणा, उससे किससे जोड़ता है? उसे आपका जोड़ता है ये तिब्बत से। ठीक है, जो आपका माणा या माणा दर्रा है ये आपके उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो जो आपका उत्तराखंड में एक दर्रा है नीति दर्रा की बात करते हैं। उत्तराखंड में आपका एक और दर्रा है, ये दूसरा दर्रा था आपका उत्तराखंड में, लिपलेख वाला पहला दर्रा। और जो आपका तीसरा दर्रा उत्तराखंड में है वो है आपका नीति दर्रा। तो बात करते हैं इसकी कुल ऊंचाई की, नीति दर्रा की कुल ऊंचाई कितनी है समुद्र से? तो इसकी कुल ऊंचाई है 5,068 मीटर। ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड में महाहिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। और ये आपका यूके यानी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये उत्तराखंड के तीन बहुत ही नामी गिरामी दर्रे थे जिनको हमने पढ़ा। अब बात करते हैं हम लोग सिक्किम की। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्किम की, क्योंकि आपका सिक्किम मणिपुर हिमालय की पर्वत श्रेणी वाले दर्रों में ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिक्किम की। सिक्किम की हिमालय पर्वतीय श्रेणी में आने वाले दर्रे कौन से हैं? तो पहला है आपका नाथुला दर्रा, जो कि आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, बहुत ही मशहूर दर्रा है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा, अब बात करते हैं इसकी कुल ऊंचाई की। तो ये 4,310 मीटर ऊंचा है, ये आपका 4,310 मीटर ऊंचा है। और ये आपका डोगेक्या श्रेणी में आता है, यह आपका डोगेक्या पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपका सिक्किम को चुंभी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, ये आपका सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। और ये जो आपका सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है, तो ये आपका चीन और भारत, जैसा कि आपको पता है सिक्किम भारत का राज्य है, तो चीन और भारत के सीमा पर स्थित है। ये आपका चीन और भारत के सीमा पर स्थित है, जो कि है आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? 4,310 मीटर। यह 1962
1962 भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत और चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, इसे इस दर्रे को बंद कर दिया गया था युद्ध के बाद। हालांकि तब से ये 1962 से बंद रहा और 2006 में इसे पुनः खोला गया, 2006 में इसे पुनः या दोबारा खोला गया, वो भी आपका भारत और चीन के बीच में जो व्यापार की वजह से खोला गया, व्यापार की वजह से खोला गया, ठीक है। और जो चीन और भारत के बीच में इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, उसका 80% आपका नाथुला दर्रा से ही होता है, ठीक है। आपका जो 80% व्यापार है भारत और चीन के बीच में, वो नाथुला दर्रा से ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जेलेप्ला दर्रा, ठीक है। जेलेप्ला दर्रा की बात करते हैं, जो कि आपका कहाँ पर आता है, सिक्किम में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। और इसकी ऊंचाई बात कर लेते हैं, इसकी ऊंचाई तो इसकी ऊंचाई है 4270 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 4270 मीटर। जेलेप्ला दर्रा की ऊंचाई कितनी है, 4270 मीटर, और ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ठीक है। और इस दर्रे का निर्माण किससे हुआ, तो इस दर्रे का निर्माण हुआ आपका तीस्ता, ठीक है, तीस्ता नदी ने जेलेप्ला दर्रे का निर्माण किया। तो दोस्तों निर्माण कैसे होता है, आपको पता है कि नदी जो अपने साथ कुछ पर्वत या बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े बहा के लाती है और एक जगह पर एकत्रित कर देती है, जिसके कारण किसी भी पर्वत श्रेणी का या किसी भी पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो जेलेप्ला दर्रा है वो आपका तीस्ता नदी द्वारा निर्माण किया गया है, और इसकी कुल ऊंचाई है 4270 मीटर, और ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ठीक है। अब हमने बात की सिक्किम की, अब बात करते हैं अगले अरुणाचल प्रदेश की, जो कि आपका हिमालय की पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पहला दर्रा है बोमडिला दर्रा। आप सबसे पहले इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, बोमडिला दर्रा की, तो सबसे पहले ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी कुल ऊंचाई है आपकी 2217 मीटर आपके बोमडिला दर्रे की ऊंचाई है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर को तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 2217 मीटर, और ये आपका तवांग शहर को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि आपका तवांग शहर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, तो ये तो हो गया आपका पहला दर्रा, और दूसरे दर्रे की बात करते तो ये आपका है यांग्याप दर्रा, ठीक है, यांग्याप दर्रा। तो आप यांग्याप दर्रा की बात करते हैं, तो ये कहां, ये भारत व तिब्बत, ये दर्रा भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये दर्रा भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है, तो इस दर्रे का क्या नाम है, यांग्याप दर्रा, ठीक है। अब ये जो दर्रा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रा के पास से ही प्रवेश करती है। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका यांग्याप
दर्रा के पास से ही प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये दो दर्रे हो गए, अब बात करते हैं तीसरे दर्रे की जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये आपका है दीफू, दीफू दर्रा। ठीक है, तो तीसरा दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है दीफू दर्रा, तो ये जो दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पर म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब म्यांमार की सीमा पर स्थित तो जाहिर सी बात है भारत की सीमा पर भी स्थित होगा, तो जो भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश में जो आखिरी बॉर्डर की तरफ है, तो वही म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है। तो ये हमने पढ़े आपके तीन दर्रे जो कि आपके हैं सिक्किम, माफ कीजिए अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं आपका जो पर्वतीय श्रेणियों में बचा है मणिपुर, जो आपका बचा है मणिपुर, मणिपुर दर्रा, मणिपुर राज्य जो कि आपका हिमालय की पर्वतीय श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो इसमें पढ़ते हैं मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तो मणिपुर में आपका एकमात्र दर्रा है जिसका नाम है तुजू, तुजू दर्रा। ठीक है, कौन सा है मणिपुर में आपका कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है आपका इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है जिसका नाम है तुजू दर्रा। ठीक है, अब आपका बात करते हैं ये अभी तक जितने भी हमने दर्रे जाने, ये जाने भारत की हिमालय, हिमालय पर्वतीय श्रेणी में आने वाले, अब जानेंगे भारत के प्रायद्वीपीय राज्य के अंतर्गत आने वाले। ठीक है, प्रायद्वीप, भारत के प्रायद्वीप राज्य में जो आते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपी पहाड़ में आते हैं जो आपके हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनमें जानेंगे केरल के बारे में, केरल और मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र, दो राज्यों के बारे में बताया था जो प्रायद्वीपीय पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं केरल में, तो केरल में आपका जो पहला दर्रा है वो आप है आपका पालघाट, पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा जो कि आपका केरल में है। ठीक है, अब इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, इसकी कुल ऊंचाई है 300 मीटर। ठीक है, पालघाट दर्रा की कुल ऊंचाई है 300 मीटर, और ये आपका क्या करता है, ये आपका कोजी, ये आपका कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड जो कि आपका केरल में है, कोझिकोड कहाँ है आपका केरल में। ठीक है, तो ये क्या कहता है कोझिकोड को कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर से जोड़ता है, और कोयम्बटूर आपका कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर है आपका तमिलनाडु, कोयम्बटूर है आपका तमिलनाडु, तो ये आपका कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, अब ये किस पर्वत या पहाड़ी में है, तो ये है आपका अन्नामलाई। ठीक है, ये आपका अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, केरल में पालघाट दर्रा है जिसकी कुल ऊंचाई है 300 मीटर, 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये कोझिकोड यानी कि केरल को कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु से जोड़ता है, ये अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, हम प्रायद्वीपीय राज्य के अंदर केरल के अंतर्गत जो आने वाले दर्रे हैं उनका पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो दर्रे दो प्रकार से बढ़ते थे मैंने आपको बताया था, तो उसी में प्रायद्वीपीय राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्यों में जो दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला दर्रा हमने पढ़ा क्या है, पालघाट, दूसरा दर्रा है आपका सेन, दूसरा दर्रा है आपका सेन कोट्टा दर्रा। ठीक है, सेन कोट्टा
दर्रा, सेन कोटा दर्रा, ठीक है। अब जो ये आपका पालघाट दर्रा है, इसे आप क्या करते हैं, पालक्कड़ दर्रा भी कहते हैं, पालक्कड़ दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सेन कोटा दर्रा के बारे में। तो सेन कोटा दर्रा है जो आपका, ये आपका इलायची पहाड़ियों, ये आपका इलायची पहाड़ियों में, पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है, या जिसे आप कहें कार्डेमम, कार्डेमम या कार्दमोम पहाड़ी या हिल्स कहा जाता है, ठीक है। इसे आपको क्या कहा जाता है, इलायची पहाड़ियों के बीच में, या कार्दमोम हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सेनकोट दर्रा है, ये आपका कितना है, 210 मीटर, ये आपका दर्रा जो है ये 210 मीटर है। और ये क्या करता है, आपका केरल की बात कर रहे हैं, तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु को आपस में, मदुरई यानी कि तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो ये सेनकोटा दर्रा क्या करता है, ये इलायची पहाड़ियों या कार्डमम या कार्दामोम हिल्स के बीच में स्थित है, और इसकी कुल ऊंचाई है 210 मीटर समुद्र तल से, और ये तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल की राजधानी को मदुरई यानी कि तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमने दो जाने, पालघाट या पालक्काड़ दर्रा और आपका सेनकोटा दर्रा, जो कि केरल में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में या आपका पर्वत में पाए जाने वाले अंतिम राज्य यानी कि महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो आपके पाए जाते हैं वो आपका थाल घाट दर्रा, ठीक है। थाल घाट दर्रा ये क्या करता है, ये आपका मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। ये आपका मुंबई को नासिक से जोड़ता है। आप थाल घाट दर्रा के बाद में है, ये आपका दर्रा, इसके बाद में आपका थाल घाट के बाद में भोर घाट दर्रा। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें फटाफट, तो फटाफट इसकी ऊंचाई की हम बात करें, तो ये आपका है 548 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। 548 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये क्या करता है आपका, ये आपका मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है। ये मुंबई को बाया पुणे से चेन्नई जोड़ता है, ठीक है। और NH 48 जो कि आपका चेन्नई से, या कहें आपका मुंबई से चेन्नई के बीच में स्थित है, वो इसी दर्रे से होकर के गुजरता है, यानी कि भोर घाट दर्रे से होकर ही NH 48 गुजरता है, जो कि मुंबई से चेन्नई या चेन्नई से मुंबई के बीच में स्थित है। और ये दर्रा आपका मुंबई को बाया पुणे होते हुए चेन्नई से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो, माफ कीजिए, कुल ऊंचाई जो है वो है आपकी 548 मीटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, वो कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, और किन किन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किन किन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रायद्वीपीय राज्यों, भारतीय राज्यों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे, और आपका हिमालय की पर्वतीय श्रेणियों में आने वाले प्रमुख दर्रे, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया आज प्रमुख दर्रे इस क्लास में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जीके की गब्बर क्लासेस चल रही है अक्षय कुमार वाली, तो फटाफट इस क्लासेस में हमने ये आज का टॉपिक पढ़ा। अगली टॉपिक में हम आपके लिए ऐसा ही एक नॉलेजेबल
और एग्जाम में आपके आने वाला बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन है उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें, ताकि हम आपका उस प्रश्न का हल आपको दे सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया था जैसा, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस साथ साथ पड़ोस वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आपके पास। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।